कल हमने देखा था वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें क्या बताएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि किस रेट से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, यानी पर सेकेंड। सपोज अगर एक पर्सन एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, या फिर एक ऑब्जेक्ट, अगर ये ट्रेन ले लिया हमने या बस ले लिया, अगर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी तक जा रहा है और ये क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है या फिर अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। सपोज स्टार्टिंग में वो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, धीरे धीरे अपनी स्पीड क्या किया उसने, इंक्रीज करना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, सपोज 20 से इंक्रीज करके उसने 100 मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो किस रेट से वो अपनी स्पीड या अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमें कौन बताएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, ये हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मान लिया अपने पास कि कोई भी एक पार्टिकल है जो कि कुछ इस तरह के कर्व पाथ पे जा रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे जब वहां पे टी इक्वल्स टू 0 था, उस समय उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसको हमने दिया वी इनिशियल वेक्टर का नाम। थोड़े टाइम के बाद जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी फाइनल हो गई इस डायरेक्शन में, ये कब की बात है, टी इक्वल्स टू टी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, तो वी वेक्टर वी एफ वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर अपॉन जो टाइम इंटरवल होगा। क्या टाइम इंटरवल हुआ, तो 0 से लेकर के टी तक, तो क्या लिखेंगे टी। तो एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर माइनस अपॉन टी। इसका डायरेक्शन अगर निकालना हो तो देखो, जैसे वी फाइनल इधर की तरफ है, वी इनिशियल इधर है, इसको ये भी लिख सकते हैं, तो वी फाइनल वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी इनिशियल वेक्टर अपॉन कितना टी। तो अगर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, तो v फाइनल वेक्टर इधर की तरफ है, v इनिशियल वेक्टर को उल्टा करेंगे, तो ये हमारा क्या है, v इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो इसको रिवर्स किया तो हमारा इस डायरेक्शन में है माइनस ऑफ v इनिशियल वेक्टर। ये अब इनके बीच का पहले एंगल कितना था, ये थीटा दिया हुआ था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वही हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। ये किसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, ये v इनिशियल के साथ सपोज अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखेंगे, कि जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos θ। तो क्या लिखेंगे, वी इनिशियल का स्क्वायर प्लस वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 2v initial v final cos θ। ठीक है, अपॉन कितना, जो टाइम इंटरवल टी आया। ठीक है, इस टैन अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टैन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, कि अगर सपोज दो वेक्टर ए और बी होते हैं, उनका रिजल्टेंट क्या होता है आर, और वो अल्फा एंगल बनाता है किसके साथ, आर वेक्टर के साथ। तो टैन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, टैन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, टेन अल्फा इक्वल्स टू ये एंगल किसके साथ बन रहा है, वी इनिशियल के साथ, तो क्या आएगा, वी फाइनल साइन थीटा अपॉन वी इनिशियल माइनस वी एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि अगर ए माइनस बी के रिजल्टेंट का लिखना रहता है तो यहाँ पे माइनस साइन आ। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि एक्सेलरेशन वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या लिखा था अपन, v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। यही हमारा क्या हो गया, एक तरह से एवरेज एक्सेलरेशन, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, अगर मान लो काफी कम टाइम इंटरवल के लिए हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या आएगा, कि डेल्टा टी एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू, चूंकि डेल्टा टी क्या होगा, काफी स्मॉल, यानी अगर सपोज कि यहाँ पे टी इक्वल्स टू टी टाइम वेलोसिटी कितनी है, वी इनिशियल, तो टी इक्वल्स टू टी प्लस डी टी टाइम, काफी स्मॉल टाइम इंटरवल के बाद
इसकी वेलोसिटी हो गई वी एफ। तो यहां से क्या लिखेंगे कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है, काफी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो देन डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डी वी वेक्टर बाई डी टी। ये हमारा क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मान लिया हमने कि वेलोसिटी वेक्टर वी दिया हुआ है, सपोज वी वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है इन्हें क्या, कि वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो एक्सेलरेशन ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, तो डी वी वेक्टर बाई डी टी। तो यहाँ से ये किसके बराबर, तो डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप और प्लस डी वी जेड बाई डी टी के कैप। ठीक है, डी वी एक्स बाई डी टी हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो ये अगर वेलोसिटी, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी दिया हुआ है एक्स वाई जेड के फॉर्म में, या उसका कंपोनेंट दिया हुआ है कि वी एक्स वी वाई वी जेड दिया हुआ है, तो वहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जब ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी लिखा अपन ने, डी वी वेक्टर बाई डी टी, तो ये डी वी बाई डी टी हमें क्या बताता है कि स्लोप ऑफ वी टी कर्व, स्लोप ऑफ वी टी कर्व, जो वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। जैसे सपोज अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमें दिया हुआ है, ये मान लिया वेलोसिटी, ये टाइम, ठीक है, ये अगर कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया होगा, तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वी टी कर्व, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये देखा हमने क्या, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखा कि टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टैन थीटा वन। ये स्लोप ऑफ वी टी कर्व क्या होगा, एक तरह से टैन थीटा होता है। तो टैन थीटा वन कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें, तो यहाँ से देखें हम लोग क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये इधर की तरफ एंगल फॉर्म कर रहा है, या फिर ऐसे ये वाला अगर स्लोप ले ले तो थीटा टू। तो यहाँ से टैन थीटा टू क्या होगा, नेगेटिव। तो स्लोप कैसा, नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, नेगेटिव। यानी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो स्लोप क्या है, जीरो। तो स्लोप जीरो है मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो। तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, यानी सपोज वी इधर की तरफ हो और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर कभी अगर ऐसा हो जाए कि वेलोसिटी इधर की तरफ हो और एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ हो, तो इन दोनों केस में वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी वेलोसिटी के इंक्रीज होने के लिए क्या कंडीशन है कि वी वेक्टर एंड ए वेक्टर शुड बी पैरेलल, ठीक है, वी वेक्टर एंड ए वेक्टर शुड बी पैरेलल। ठीक है, अगर वही अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा और उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। ठीक है, चलिए केस फर्स्ट देखते हैं हम लोग कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या क्या मोशन हो सकता है, क्या प्रॉपर्टी होगी उस मोशन की। केस फर्स्ट देखते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन अगर जीरो है, एक पार्टिकल यहाँ पे मान लो सपोज यू वेलोसिटी से जा रहा है, टी टाइम के बाद हमने माना क्या कि वेलोसिटी उसकी वी हो गई। अब एक बात देखो, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो उस केस में डेल्टा वी कितना, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा वी अगर जीरो हो गया तो वी माइनस यू क्या, जीरो। तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू। यानी इस केस में जब एक्सेलरेशन जीरो होता है उस समय वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होगा। यानी पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में या जिस मैग्नीट्यूड से वो मूव कर रहा था पहले, उसी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड से मूव करता रहेगा, और पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
इस केस में जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी हो, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, यू के बराबर ही होगी। चाहे सपोज अपने पास कितने भी टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट करें, सपोज 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, कितने भी टाइम के लिए कैलकुलेट करें, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों की वैल्यू क्या होगी, यू। इस केस में यहाँ से लिख सकते हैं कि एस बराबर जो आएगा वो किसके बराबर, यू इंटू टी, यानी यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। क्योंकि मैंने बताया था कल कि अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है, और विदाउट एनी चेंजिंग डायरेक्शन, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, सेम, और एस की वैल्यू किसके बराबर, ठीक है, ये स्पीड ठीक है या फिर स्पीड स्लो करने की जरूरत है बेटा, स्पीड ठीक है तो एक बार यस का मैसेज भेज दो कि हाँ सही है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, या फिर कुछ स्पीड स्लो करने की जरूरत है। स्पीड सही है या फिर ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसी स्पीड से चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केस टू। केस टू देखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन क्या हो, नॉन जीरो, ठीक है, एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो है तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन क्या है, पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, तो यहाँ से देखते हैं कि सपोज इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, अगर ये पैरेलल टू वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो इस केस में ये क्या बताता है, एक्सेलरेशन का जो ये डायरेक्शन, जो डायरेक्शन यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन होता है वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, या फिर एक तरह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या फोर्स बताता है। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, और यहाँ पे पाथ जो होगा वो क्या होगा, इस केस में भी पाथ स्ट्रेट लाइन ही हो, ठीक है, इस केस में भी पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। एक और पॉइंट ध्यान रखना है इसके बारे में कि इस केस में पार्टिकल अपने वापस जो इनिशियल पॉइंट है वहां पे कभी वापस नहीं आए, मतलब कंटिन्यूअसली इसी लाइन पे वो मूव करता रहेगा, तो पार्टिकल नेवर कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, पार्टिकल नेवर कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, कभी भी इनिशियल पोजीशन पे वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट केस अगर देखें जो इसी का बी पार्ट, कि अगर सपोज एक्सेलरेशन जो हो वो अपोजिट टू बी वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन क्या हो, अपोजिट टू वेलोसिटी वेक्टर, यानी अगर सपोज ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन उसका अपोजिट है, अगर एक्सेलरेशन अपोजिट है यानी ये क्या शो करेगा कि इस ऑब्जेक्ट पे भले ही ये मूव कर रहा हो इधर की तरफ, लेकिन फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब इस केस में भी पाथ कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन, पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके बाद जो पाथ जो होगा, पार्टिकल जो होगा वो पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होने के बाद वेलोसिटी एक समय जीरो होगी, और फिर से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिवर्स होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी पार्टिकल कैसे मूव करेगा, पहले उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में मूव करेगा, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और फिर से वो वापस लौटना शुरू कर देगा, तो एक समय आएगा जब ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचेगा, और उसके बाद भी अगर कंटिन्यू रहा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसके लिए कंडीशन लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये इनिशियली यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है टी इक्वल्स टू जीरो पे, थोड़े टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, टी इक्वल्स टू टी पे इसकी वेलोसिटी वी हो गई, जिसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, एस डिस्टेंस। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, डीवी बाई डीटी, तो यहाँ से डीवी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए डीटी, ठीक है, टी
टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी यू, और टी इक्वल टू टी पे वेलोसिटी वी। डीवी का इंटीग्रेशन वी होगा तो ये कितना आएगा वी माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा वी बराबर यू प्लस ए टी, ये हमारा कौन सा होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा तो ds by dt equals to, ये हमने क्या लिखा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u plus at, v को क्या लिख सकते हैं तो ds by dt equals to u plus at, ds को यहाँ से लिया इसको u dt plus at dt, acceleration constant है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है t equals to zero पे इसकी ये कितना डिस्प्लेस हुआ जीरो, और t equals to t पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है s, s इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो यहाँ से हमने क्या देखा था कि a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये रिलेशन तब यूज होता है कि जब हमें क्या दिया हो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग अगर इसको देखें तो a को क्या लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स अगर लिखें, ठीक है dx by dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या लिख सकते हैं dv by dx into dx by dt को v, यहां से क्या लिख सकते हैं a equals to v dv by dx। ध्यान रखना ये रिलेशन हमें तब यूज करना है कि जब हमें क्या दिया हो v और x का रिलेशन, जहां भी आगे हम लोग एक इक्वेशन ये मोशन पढ़ेंगे जो कि मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, उस पार्ट में जब भी आपको v और x का रिलेशन दिया हो तो इसके बारे में सोचना है एक बार, और v और t का रिलेशन दिया हो तो ये यहाँ से क्या लिख सकते हैं a into या फिर ऐसे v dv equals to a dx, constant acceleration बाहर कर दिया। जब displacement zero तो velocity u, और जब displacement s हो गया तो उस समय velocity v, यहाँ से क्या आएगा v square by two limit कहाँ से कहाँ तक u से v तक equals to a into s। इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है डी पार्ट कि ये देख लिया हमने कि s इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी ऐसा रहेगा क्वेश्चन में हमें इनिशियल वेलोसिटी के बजाय फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, ठीक है उस केस में देखे तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, तो u को क्या लिख सकते हैं v माइनस ए टी, तो s इक्वल टू क्या आएगा v माइनस ए टी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितना आएगा वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर मान लो कभी अगर हमें ये दिया हो डायरेक्ट इनिशियल वेलोसिटी के बजाय फाइनल वेलोसिटी दी हुई है तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। एक और इक्वेशन हमें ध्यान रखना है कि nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। कभी क्वेश्चन ये आता है कि एक पार्टिकल है यू वेलोसिटी से जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन ए है, थर्ड सेकंड या फिर फोर्थ सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो क्या करते हैं मान लो अगर हमें nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि टी इक्वल टू nth सेकंड, तो क्या करेंगे टोटल n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और उसमें से t इक्वल टू एन माइनस वन सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको क्या लिखा अपन ने u इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू ए इंटू एन स्क्वायर, एन माइनस वन सेकेंड में जो हुआ तो u इंटू एन माइनस वन प्लस वन बाई टू ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट आता है इसको हम लोग s nth से डिनोट कर लेते हैं, वो आता है u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। कैलकुलेट कैसे करेंगे तो एस एन माइनस बस एस एन माइनस वन करना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दो क्वेश्चन इस पे देखेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे एक एग्जांपल, अगर आप चाहो तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूं तो आप एक बार सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व करके आंसर बता सकते हो। ये देख लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो इनिशियली ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है यू इक्वल्स टू जीरो से, ये एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है उसके बाद एक थोड़ा ठीक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। टी इक्वल्स टू क्या है 5 सेकंड तक वो इस एक्सेलरेशन से जा रहा है, उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ
कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है टी इक्वल्स टू 3 सेकंड। तो हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है, जो अगर सॉल्व करना चाहे सॉल्व करके फटाफट आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन ये है कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 5 सेकंड तक किस वेलोसिटी से जा रहा है, उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से 3 सेकंड तक है, ठीक है, बाकी लोग देखना चाहें तो देख सकते हो। जैसे मान लो यू इक्वल टू, पहला पार्ट ये रहा फर्स्ट पार्ट और ये रहा सेकेंड पार्ट, ठीक है, फॉर फर्स्ट पार्ट अगर देखें फर्स्ट पार्ट के लिए, तो यहाँ से अगर देखें फर्स्ट पार्ट के लिए तो यू की वैल्यू, जब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन देख के पता नहीं चलता कि आप कौन सा इक्वेशन अप्लाई करो, तो उससे पहले क्या करना, जो भी चीजें दी हुई है आप वो लिख लेना, यू कितना है 0, ए कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम कितना है 5 सेकेंड, देख लेते हैं 110 सही है ना। तो इस पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो क्या करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/2 × 4 × 25, कितना आ जाएगा ये 50 मीटर। और सेकंड पार्ट के लिए देखे, फॉर सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद होगी वही वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड कितना, तो वी बराबर यू प्लस ए टी, तो कितना आ जाएगा 4 × 5 20 मीटर पर सेकेंड। और ये डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करें तो कितना होगा वी टी के बराबर, तो 20 × 3 कितना आ जाएगा 60 मीटर, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट एस डैश की वैल्यू 110 मीटर, सही है, जिनका भी आंसर है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये दे रखा है कि एक कार और ट्रक है, ये थोड़ा ठीक सवाल है, आप लोग देख सॉल्व करना है इसको, ठीक है, कि एक कार और एक ट्रक है, ठीक है, ये कार हो गया और एक दूसरा कोई ट्रक है, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम से स्टार्ट कर, ठीक है, ये मान लो हमारा ये ट्रक हो गया और ये कार, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं टी इक्वल्स टू 0 पे। कार जो है वो 40 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और जो ट्रक है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट ये है कि टाइम की वैल्यू निकालनी है टी इक्वल्स टू व्हाट, कि जब कार जो है वो कैच करेगा किसको, कार कैचेज ट्रक, ठीक है, सॉरी ट्रक कैचेज कार, ट्रक जो है वो कार को कैच करेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है कि ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम निकाल, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, और थर्ड पार्ट निकालना है कि वो टाइम जब ग्रेटेस्ट डिस्टेंस था उन लोगों के बीच, ठीक है, कि किस टाइम पे उन लोगों के बीच का डिस्टेंस ग्रेटेस्ट था। एक बार और सवाल सुन लो, एक कार है जो कि 40 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और एक ट्रक है जो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुए, वो टाइम निकालना है जब कार जो है वो ट्रक जो है वो कार को पकड़ लेगी, ठीक है। सेकंड पार्ट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, कि किस समय उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम था, और थर्ड पार्ट में देखना है कि ग्रेटेस्ट डिस्टेंस किस टाइम पे था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, पहले पार्ट का वैसे मैं पहले ही आंसर बता देता हूँ, जो सॉल्व कर रहे हैं वो देख लेना। पहले पार्ट का जो आंसर है वो टी इक्वल्स टू 20 सेकंड है, दूसरे पार्ट का आंसर जो है वो डिस्प्लेसमेंट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस दे रखा है 200 मीटर, और थर्ड पार्ट का है टी इक्वल्स टू 10 सेकंड, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, कि जिस समय ये कार और ट्रक एक दूसरे को पकड़ लेंगे उस समय क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल और ट्रक के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल दोनों सेम होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस सी यानी कार के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू ट्रक के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल। कार के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना, तो टी टाइम में कितना चलेगा 40 टी, और ट्रक कितना चलेगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2 × 4 × t स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा कि 2t² = 40t, यानी t इक्वल्स टू एक बार 0 और t इक्वल्स टू एक बार 20 सेकंड, ठीक है, यानी दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक बार t इक्वल्स टू 0 पे होगा और एक बार t इक्वल्स टू 20 सेकंड पे होगा, ठीक है,
जिनका रिलेटिव्स हो गया कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर देखते हैं, अगर सेकंड पार्ट पूछा है कि उनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस बताना, ठीक है, तो एक बात देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो मान लेते हैं कि किसी टी टाइम में जो कार होगा वो कितना चलेगा, 40 T, और ट्रक कितना चलेगा, ये ½ AT² मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 × 4 × T² यानी 2 T². तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 40 T- इसको लिख सकते हैं 40 T - 2 T², ठीक है, तो 40 T - 2 T² आया, तो क्या लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से एक बार देखो, जब भी अगर आए कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसी क्वांटिटी की, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, dS/dt शुड बी इक्वल टू 0। ये अप्रोच जिनको नहीं आता है ध्यान रख लेना कि जब भी अगर कोई इक्वेशन निकाल लिया, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो dS/dt इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो क्या आएगा, 40 - 4 T = 0, यानी कब कि कब आएगा, तो टी इक्वल्स टू कितने पे, 10 सेकेंड, ठीक है, टी इक्वल्स टू कितना, 10 सेकेंड। और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो ग्रेटेस्ट उनके बीच का डिस्टेंस तो इसी इक्वेशन से मिल रहा है, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कब है, तो टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे, तो कितना आएगा, तो 440 × 10 - 2 × 10² कितना आ जाएगा, 200 मीटर, ठीक है। ये हमारा था मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, आपको DPP से रिलेटेड मैं दे दूंगा, आप एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, जब भी अगर टॉपिक के बीच में अगर किसी को भी नहीं समझ आया तो एक बार आप खुद से ही मैसेज कर देना, मैं रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज मैं आगे कंटिन्यूअसली चलते रहूंगा, ठीक है। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर फ्रीली मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। जैसे सपोज एक बॉल को ड्रॉप कर दिया किसी एच हाइट से, ठीक है, एच हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप जब भी अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो वो भी जैसे ही ड्रॉप कर देते हैं वो क्या होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल मूव करता है, कोई दूसरा एजेंट उस पर फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है, तो ये भी इसका मोशन कैसा हुआ, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। या फिर हमने किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, अब अगर इसको ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो इसका जो मोशन हुआ वो भी क्या होगा, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, क्योंकि जब भी इसके बाद जैसे ही हमने थ्रो कर दिया इस पर कोई भी दूसरा फोर्स एग्जर्ट नहीं लग रहा हो रहा है, केवल अर्थ ही है जो इस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। एक और चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के मोशन को डील करेंगे, ठीक है, तो उस केस में किसी एक डायरेक्शन को क्या डिसाइड करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि साइन के कारण जो होता है वो काफी गलतियां हो जाती है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है, अनदर डायरेक्शन को क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव, किसी को भी हम पॉजिटिव ले सकते हैं और किसी को भी नेगेटिव, पूरे वन डायमेंशन में आप फ्री हो किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव लेने के लिए। मान लो हम लोग लेके चलते हैं क्या, ऊपर पॉजिटिव और नीचे को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। केस फर्स्ट देखते हैं हम लोग, एक बार इसको डील करना देख लेते हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, वहां से हमें बाकी अगर ये डील करना आ गया, इक्वेशन लिखना आ गया, तो सारी चीजें सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के टाइम होता है एक्सेलरेशन क्या होता है, जी, मतलब अर्थ जो होता है वो जी से, उसके केस में एक्सेलरेशन कितना होता है, जी, और इस जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या लेके चलना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने नेगेटिव लिया तो क्या ले लेंगे इसको, माइनस जी, अगर हम लोग नीचे पॉजिटिव लेते हैं ऊपर नेगेटिव तो प्लस जी, ठीक है। फर्स्ट केस देखते हैं कि बॉल को एक हमने क्या किया, कुछ है एच हाइट से ड्रॉप कर दिया कि बॉल इज ड्रॉप्ड, अगर एक बॉल को ड्रॉप कर दिया हमने किसी एच हाइट से, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे ड्रॉप किया, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वी, किसी भी टाइम कब की बात है ये, टी पे कितना डिस्प्लेस हुआ, एस, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, वी बराबर यू प्लस ए टी होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, जिसकी जिसका मैग डायरेक्शन पता हो आप उसको डायरेक्शन के साथ पुट करना, ठीक है, और नहीं पता हो आप रहने देना, साइन के साथ अपने आप आएगा। पहला इक्वेशन क्या होता है, वी बराबर यू प्लस ए टी,
तो इस समय देखते हैं कि टी टाइम पे वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में, और हम लोगों ने नीचे क्या लिया है, नेगेटिव, तो माइनस वी इक्वल्स टू यू कितना, जीरो। ए की वैल्यू नीचे के डायरेक्शन में जी होता है तो माइनस जी इंटू टी, तो यानी वी की वैल्यू किसके बराबर, जी टी। ठीक है, दूसरा ये बस देखना अपने को, ऐसा नहीं कि आप ये फॉर्मूला याद करना शुरू कर दो, ठीक है, अप्लाई आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है हर एक क्वेश्चन। सेकेंड इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट किधर, नीचे के डायरेक्शन में, माइनस एस, यू कितना, जीरो, तो ये पूरा जीरो, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एस इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, सी पार्ट देखें तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी स्क्वायर की वैल्यू तो वी नीचे के डायरेक्शन में तो माइनस वी का स्क्वायर, यू जीरो तो प्लस टू इंटू ए की वैल्यू माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट किधर, नीचे तो माइनस एस, तो यहाँ से क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एस। ठीक है, थर्ड सेकेंड केस देखते हैं हम लोग कि बॉल को अगर हमने प्रोजेक्ट किया ऊपर के डायरेक्शन में, केस सेकंड, ठीक है, कि अगर बॉल ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ठीक है, अगर ये सारी चीजें अगर आपको साइन के साथ अगर पुट करने आ रहा है तो सीधा ये काफी सिंपल हो जाएगा कुछ, ठीक है, तो सारे केस में हम लोग इसीलिए देख लेते हैं। मान लो यू से हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, यू से जैसे ही प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ये कुछ एच हाइट तक जा रहा है, जब भी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो तब तक जाता है ऊपर के डायरेक्शन में जब तक कि उसकी वेलोसिटी क्या नहीं हो जाए, जीरो। एक और पॉइंट ध्यान रखना, एक पॉइंट ये हो गया कि जब अगर एक बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर के डायरेक्शन में तो तब तक ऊपर जाता है जब तक उसकी वेलोसिटी क्या नहीं हो जाए, जीरो। और एक और पॉइंट यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है कि जब भी अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट से हम लोग थ्रो करते हैं ऑब्जेक्ट को, सॉरी ड्रॉप करते हैं, अगर इस बॉल को, जैसे सपोज एक ये ट्रेन है मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से, अगर हमने बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल को जैसे ही ड्रॉप करते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होती है। वेलोसिटी किसके बराबर, कि मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होगा, ये चीज ध्यान रखना आपने, ठीक है। और एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं होता, मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं होता, ये कभी भी बॉडी जो है मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन एक्वायर नहीं करती, क्या एक्वायर करती है, उसकी वेलोसिटी, जो भी उस समय की वेलोसिटी होगी वही इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, कि जैसे मान लो सपोज एक बलून है ऊपर के डायरेक्शन में अगर 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से ड्रॉप करोगे तो इस स्टोन की भी वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर के डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो ये पॉइंट ध्यान रखना, क्वेश्चन में यूज होता है। तो ये क्या हो गया, पहला इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ये मान लो किसी भी टाइम ये टी इक्वल्स टू जीरो पे दिया हमने, टी इक्वल्स टू टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी वी, ठीक है, कितना वो डिस्प्लेस हुआ ऊपर के डायरेक्शन में, एस डिस्प्लेस हुआ। हम लोग ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, पहला क्या हुआ वी बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ से अगर देखें तो वेलोसिटी वी क्या है टी टाइम पे ऊपर के डायरेक्शन में, तो क्या आएगा प्लस वी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी यू ऊपर के डायरेक्शन में प्लस यू, एक्सेलरेशन किधर है माइनस नीचे की तरफ, तो यू माइनस जी टी। ठीक है, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर वैल्यू के साथ ही अप्लाई करना, ठीक। सेकेंड पार्ट, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में ऊपर तो पॉजिटिव, यू ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, तो पॉजिटिव, ए फिर से नीचे के डायरेक्शन में, तो क्या आएगा हाफ जी टी स्क्वायर। सी पार्ट देखे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो वी कैसा ऊपर के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, यू भी पॉजिटिव, ए कैसा नेगेटिव तो टू इंटू माइनस जी, और एस कैसा ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो क्या आएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। एक लास्ट केस और देख लेते हैं, केस थर्ड, कि सपोज एच हाइट से एक बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किया है यू से, ये कैसे जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किया है तो पहले ये ऊपर जाएगा फिर थोड़े धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा नीचे के डायरेक्शन में वी वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर के डायरेक्शन में एस, एक बात ध्यान रखो ये कब की बात है टी इक्वल्स टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट जब देखेंगे तो वो यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना कि यहाँ से यहाँ तक, हमें इनिशियल और फाइनल को ही ज्वाइन करना चाहे कितना भी ऊपर जाके नीचे आ रहा हो, ठीक, ये कब की बात है टी इक्वल्स टू टी पे। तो अगर पहला इक्वेशन अप्लाई करें वी बराबर यू प्लस ए टी,
तो v की वैल्यू नीचे के डायरेक्शन में हमने क्या माना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो सीधा माइनस v इक्वल्स टू u पॉजिटिव, a किधर है माइनस, तो माइनस जी टी। बी पार्ट देखें तो s बराबर क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू किधर नीचे, तो माइनस एस यू यू पॉजिटिव टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और एक थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी स्क्वायर देखें तो वी फिर से नीचे है तो नेगेटिव, तो माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्सेलरेशन किधर माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट किधर माइनस एस, तो कितना हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा तीन इक्वेशन, तीन टाइप का जो फॉर्मेट है, तीन ही टाइप के फॉर्मेट आएंगे आपको इसमें, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में कैसे इक्वेशन लिखते हैं वो ध्यान ले देख लिया हमने, हमें जाना इसी से है, ये नहीं कि आप ये याद करना शुरू कर दें, हमें जाना इसी से है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, कि जब भी अगर बॉल को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, तो अगर एयर रेजिस्टेंस हम लोग काउंट नहीं करें, इफ एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, जैसे अगर क्वेश्चन में अगर एयर रेजिस्टेंस की बात अगर नहीं की गई है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं करना है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया गया, तो उस केस में अगर सपोज एक बॉल को ऊपर थ्रो करें, ठीक है, तो ये कुछ यहाँ तक जाएगा और फिर उसके बाद वापस आएगा, ये कब तक वापस जाएगा ऊपर, जब तक वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं हो जाए, जितने टाइम के लिए ये ऊपर जाएगा इसको लिखते हैं टाइम ऑफ एसेंट, इसको किससे डिनोट करेंगे टी ए से, जब नीचे आएगा तो इसको लिखेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, तो अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट होता है तो उस केस में टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस काउंट किया जाए, इफ एयर रेजिस्टेंस इज काउंटेड, एयर रेजिस्टेंस इज काउंटेड, उस केस में क्या होगा कि जो टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ से मान लो एक बॉल को ऊपर की तरफ यू से थ्रो किया, ठीक है, यू से थ्रो किया, ये टाइम ऑफ एसेंट और ये टाइम ऑफ डिसेंट, इस केस में अगर एक्सेलरेशन देखे हम लोग, तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो अब एक बात देखो, जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी अगर ये ऊपर मूव करेगा तो इस पे एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा जी प्लस ए, अगर हमने ऊपर पॉजिटिव लिया नीचे नेगेटिव लिया तो एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी प्लस ए। इस केस में जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा टाइम ऑफ डिसेंट के केस में, तो उस केस में क्या होगा, ग्रेविटी जी नीचे लगेगा एयर रेजिस्टेंस ऊपर, तो क्या आएगा, तो जी माइनस ए, नेट जो होगा वो नीचे के ही डायरेक्शन में रहेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट नीचे आ पाएगा, ठीक है, अदरवाइज ऊपर होता तब तो क्या हो नहीं आ पाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्या है ग्रेटर है ये स्मॉलर है, तो टाइम ऑफ एसेंट जो होगा वो लेस देन किससे होगा, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट इसके बारे में हमें देखना है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट को या बॉल को ड्रॉप किया गया, यू कितनी जीरो, टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है एस। ठीक है, दोनों का रिलेशन हमें निकालना है, दोनों का रिलेशन हम चाहे तो एक बार रेशियो पूछा जाता है डायरेक्ट, ये देख लेते हैं, तो वी बराबर क्या होगा यू प्लस ए टी, तो वी इक्वल्स टू किसके बराबर, यू जीरो तो कितना हो जाएगा टेन टी, और एस इक्वल्स टू कितना हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आएगा फाइव टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि जो रिलेशन आता है वो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, कि सपोज एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, यू कितना जीरो, ठीक है, ये कब की बात है, टी इक्वल्स टू जीरो जिस समय ड्रॉप किया, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे देखना है, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे देखना है, टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, ये देखते हैं बाकी आइडिया लग जाए, इस समय वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे टी इक्वल्स टू 1 पुट करो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि हर एक सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई। तो एक चीज देखो कि इसका आईडी यूज हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एक बार देखो, अगर सपोज पार्टिकल को अगर 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया, तो अगर मैं डायरेक्ट पूछू टाइम ऑफ एसेंट कितना, सीधा बोल सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट 4 सेकेंड, क्यों, क्योंकि 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, तो 1 सेकेंड में ऊपर जाने समय 10 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज भी हो, तो 1 सेकेंड में क्या होगा 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 और 10 से 0, तो ये ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर
60 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो 6 सेकंड होगा टाइम ऑफ एसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस डिसेंट कितना हो जाएगा 12 सेकंड। तो ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जो डिस्टेंस ये अगर देखे ये कितना हुआ तो एस बराबर कितना होगा तो 5 5 t² मतलब कितना 5 मीटर। 0 से लेके 2 सेकंड तक देखे तो कितना होगा 2 सेकंड पुट करोगे तो कितना 20 मीटर। 3 सेकंड पुट करोगे तो कितना मिलेगा अपने को तो ये कितना 3 3 9 5 45 मीटर। ठीक है, तो ये रेशियो कैसा होता है, पहले 5 फिर अगले सेकंड में 10 मीटर 15 मीटर फिर अगले सेकंड में 25 मीटर। ठीक है, तो ये एक बात देखो, एक रेशियो क्या पूछा जाता है कि एस 0 to 1 इज टू एस 1 to 2 इज टू एस 2 to 3 सेकंड, मतलब 0 से 1 सेकंड में जो डिस्टेंस, फिर 1 से 2 और 2 से 3, तो ये कितना हो जाएगा तो 1:3:5:7:9। ठीक है, अगर ये पूछा जाए एस 0 to 1 इज टू एस 0 to 2 इज टू एस 0 to 3, तो ऐसे अगर देखें तो कितना 5 20 45, तो ये कितना 1 4 9 ऐसे जाएगा, यानी कैसा 1 का स्क्वायर इज टू 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर इज टू ऐसे जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब इस पे भी क्वेश्चन ये दो कर लेते हैं, दो क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिनको अगर सॉल्व करना हो कर सकते हो एक बार। पहला क्वेश्चन बोल रखा है इस बार में कि एक पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ से टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली बॉल ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, तो इंटरवल ऑफ 1 सेकंड, मतलब डेल्टा टी जो दिया हुआ है वो 1 सेकंड दिया हुआ है कि 1 सेकंड के इंटरवल पे वो बॉल को ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, बॉल को ड्रॉप कर रहा है 1 सेकंड के इंटरवल पे। तो हमें ये देखना है कि when sixth ball dropped, जब sixth ball को drop किया गया, उस समय हमें fifth ball, ठीक है, और fourth ball की position निकालनी, ठीक है, fourth ball की position निकालनी कि वो कितना नीचे होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि जब sixth ball अगर यहाँ पे drop किया गया है, ठीक है, तो उस केस में उससे कितना पहले drop किया गया होगा fifth ball, तो 1 सेकंड पहले, फिफ्थ बॉल 1 सेकंड पहले ड्रॉप किया गया होगा, और फोर्थ बॉल कितना सेकंड, 2 सेकंड पहले। तो अब एक बार देखो, हमें पता है 1 सेकंड में ये कितना चलेगा 5 मीटर, और 2 सेकंड में ये कितना चला होगा, तो ये कितना चला होगा 25 मीटर। तो सीधा यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि पहले फिफ्थ बॉल की पोजिशन 5 मीटर नीचे है, और फोर्थ बॉल की पोजिशन 25 मीटर नीचे है। ठीक है, फिफ्थ बॉल ये था हमारा 20 मीटर था, 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो होता है अगर ड्रॉप करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्वायर करता है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक बलून है, ठीक है, ये एक बलून है, ये कितने से जा रहा है, ऊपर से, ये ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के कॉन्स्टेंट स्पीड से। ठीक है, और जब ये 100 मीटर की हाइट पे रहता है, 100 मीटर की हाइट पे था, उस समय यहाँ से एक स्टोन ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच ग्राउंड, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड। ठीक है, तो चलो एक बार देखो, ये 20 मीटर पर सेकंड से स्टोन जा, ये बलून जा रहा था, यहाँ से हमने एक स्टोन ड्रॉप किया, तो जैसे ही स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो उस स्टोन की वेलोसिटी कितनी, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि बलून से अगर ड्रॉप करेंगे तो जो बलून की वेलोसिटी होगी वही किसके, स्टोन की। तो ये अब एक स्टोन है और ये इसकी वेलोसिटी कितनी, 20 मीटर पर सेकंड ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले वो ये टाइम निकालते हैं कि पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा फिर यहाँ से नीचे आने का, ये करने की आपको जरूरत नहीं है। सीधा क्या करोगे कि इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 100 मीटर, और कि अगर हम लोग ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट एस कितना, -100 मीटर। यू कितना, तो ऊपर के डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड, और हमें निकालना है टाइम, तो एस बराबर फिर से क्या लगा दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
जी की वैल्यू किसके बराबर, -10 मीटर पर सेकेंड। इसका ये हो गया 100 -100 = 20t - 5t² यहाँ से कितना आएगा, तो ये -20 = 4t - t² क्या आएगा इसके बीच, t² - 4t - 20 = 0। आप चाहो तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, t = -b + -b² - 4ac से, ठीक है, upon 2a। यहाँ से सॉल्व करोगे वो टाइम निकल जाएगा जिस समय वो बॉल जो होगा वो क्या होगा, ग्राउंड पे पहुंचेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ अगर पार्टिकल मूव करता है तो कैसे इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। तो एक कंडीशन मानते हैं यहाँ पे कि एक पार्टिकल है जो कि t = 0 पे, उसकी वेलोसिटी क्या है, u, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v, कब, t = t पे, ठीक है, उस समय वो कितना डिस्टेंस मूव किया हुआ रहता है, वो x डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे, ठीक है। इसमें ध्यान से समझेंगे हम लोग, चूंकि 2-3 सवाल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आता है, डाउट आता है कैसे प्रोसीड करें, वो सारी चीजें हम लोग ढंग से देख, ये t = t पे, तो t = t + dt पे अगर देखें तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, ये बहुत कम टाइम इंटरवल है तो v से बढ़ के क्या होगा, dv, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, v + dv हो गया, और कितना डिस्टेंस चला, तो dx डिस्टेंस, ठीक है। अब इस केस में आइए देखते हैं वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, तो वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना, टाइम इंटरवल, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो इस dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना, तो dx, और टाइम इंटरवल कितना, dt, तो यहाँ से v = क्या आएगा, dx/dt, तो dx = क्या, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये ध्यान रखना, आपको जब भी अगर v और t का इक्वेशन दिया रहे, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, अगर x और t का इक्वेशन दिया हो वेलोसिटी निकालना है डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर x t इक्वेशन दिया हुआ है, v कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट, क्या ऐड करोगे, डिफरेंशिएट, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया हुआ है, अगर क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, तो उसके इसमें क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा हम लोग सीधा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन जो ए आएगा वो किसके बराबर, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना, डीवी अपॉन टोटल टाइम, तो डीटी, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि dv = क्या लिखेंगे, a dt, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे मैं ए को बाहर इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ए जो है वो कैसा है, वेरिएबल, ठीक है। यहाँ से क्या देख सकते हैं कि vt इक्वेशन दिया हो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, ठीक है, क्या करोगे, फिर से डिफरेंशिएट, ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन दिया हो, डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ये आप चार चीजें ध्यान रखना, क्योंकि जो भी अगर वेलोसिटी टाइम इन सब का दिया हो इक्वेशन, उस समय हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। एक और रिलेशन जो है, a = vdv/dx, ठीक है, तो यहाँ से भी क्या करेंगे कि vdv = integration of a dx, अगर a और x का इक्वेशन दिया हो, चेंज इन वेलोसिटी निकालना, तो भी ये तो उस समय इस रिलेशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है, कि अगर क्या दिया हो, a x का रिलेशन दिया हो और अगर v कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट, लेकिन उस समय रिलेशन क्या होना चाहिए, इंटीग्रेट, उस समय रिलेशन क्या होगा हमारा, ये, तो आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है और ये रिलेशन ध्यान, ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं, a = dv/dt होता है, इसको इधर भेज के इंटीग्रेट करना, ठीक है, तो इस पे 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कैसे प्रोसीड करना है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखा है कि v = 4 + 4√t दे रखा है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है, कब से कब तक है ये, t = 0 to 5 सेकेंड,
जीरो से 5 सेकंड के लिए वेलोसिटी दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। वी क्या हो जा रहा है, वी कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। कब से कब तक, टी इक्वल्स टू 5 सेकंड के बाद, टी ग्रेटर देन 5 सेकंड। हमें निकालना है पहला पार्ट, एक्सेलरेशन निकालना है एट टी इक्वल्स टू 3 सेकंड। टी इक्वल्स टू 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालना है, और सेकंड पार्ट की डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, टी इक्वल्स टू 6 सेकंड तक। डिस्प्लेसमेंट निकालना है टी इक्वल्स टू 6 सेकंड तक। चलिए देखते हैं पहले पार्ट, जिनको सॉल्व करना है एक बार ट्राई कर सकते हो। एक्सेलरेशन ए है, हमने क्या बोला था कि अगर v और t का इक्वेशन दिया हो, एक्सेलरेशन निकालना, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। a इक्वल्स टू dv बाई dt, सीधा डिफरेंशिएट करो। तो d ऑफ कितना, 4 + 4√t अगर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, इसका डिफरेंशिएशन 0, और इसका कितना, 4 d(t)^1/2 dt, कितना आएगा, 4 × 1/2, और t की पावर 1/2 -1, तो क्या आएगा, -1/2, कितना आएगा 2, और t की पावर -1/t है, मतलब कितना 2/√2, और ये 3 सेकंड पुट करो लिमिट, तो यहाँ से कितना, तो 2 बाई कितना हो जाएगा, √3 m/s इसका, ठीक है। ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में पूछा उन्हें कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अगर vt दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेट करने के लिए, कि ds इक्वल्स टू क्या लिखेंगे कि v dt। ये रिलेशन कहाँ से आता है, तो v इक्वल्स टू ds/dt, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v, v को क्या लिखेंगे, 4 + 4√t, ठीक है, dt, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 5 सेकंड के लिए ये, और 0 से s, ठीक है। s इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 × t + 4, टी की पावर कितनी, 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो टी की पावर 1/2 + 1, 3/2 / 3/2, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 5 तक, तो ये कितना हो जाएगा, 20 + ये तो 0 से पूरा 0 होगा, 8/3, और इंटू 5 की पावर कितनी, 3/2, ये हो गया 0 से 5 सेकंड। अब उसके बाद हमें एक और चीज देखना है कि 5 से 6 सेकंड तक वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू कहाँ पे, 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वही होगी, तो वी एट 5 सेकंड कितना, एट टी इक्वल्स टू 5 सेकंड किसके बराबर, तो 4 + 4√5, ठीक है। यहाँ से देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा 5 से 6 सेकंड में, तो वी इंटू 1 सेकंड, तो कितना आएगा, 4 + 4√5, तो कितना आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो 20 + 4 = 24 + 8/3, 5 to the power 3/2 + 4√5। देख के आंसर डरना मत, आपको अगर आएगा तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, ये वैल्यू इजिली कैलकुलेट वाले लेवल हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर देखें, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 + 52, जो भी आ जाए एक बार देख सकते हो, 5 का जो भी आ जाए इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और, ठीक है, कि अगर मान लो एक वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो कितनी दी हुई है, वी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, α√x के बराबर, ठीक है, वेयर अल्फा इज कॉन्स्टेंट, जहां पे अल्फा क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल जो है वो x इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी दिया हुआ है, v इक्वल्स टू α√x, अल्फा कांस्टेंट है, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पे है, ठीक है। हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो v इक्वल्स टू क्या है, α√x, तो पहले काम करते हैं x और t का रिलेशन निकाल लेते हैं, तो dx/dt vx को, v को क्या लिख लेते हैं, dx/dt इक्वल्स टू कितना, α√x, तो dx अपॉन कितना, √x इक्वल्स टू क्या आएगा, α/dt। ये लिमिट ध्यान रखना है अपने को, t 0 पे x कितना, 0, t इक्वल्स टू t पे x क्या मान लिया, x,
ये क्या आएगा, एक्स की पावर 1/2 dx इक्वल्स टू अल्फा टी लिमिट 0 से एक्स, ये कितना आएगा, तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2/3 इक्वल्स टू कितना अल्फा टी। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर, 3/2 अल्फा टी, और इस पूरे की पावर कितनी 2/3। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dx बाई डी टी क्या आएगा, तो dx बाई डी टी हमें क्या मिलेगा v, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये पूरा कांस्टेंट है तो 3/2 अल्फा इस पूरे की पावर कितनी 2/3 इंटू डी ऑफ कितना आएगा, तो टी की पावर 2/3 अपॉन ये कितना आ जाएगा डी टी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, तो 3/2 अल्फा टू दी पावर कितना 2/3 इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/3 इंटू एक्स की पावर रॉन्ग, एक्स की पावर रॉन्ग के अच्छा -1/2, ओह सॉरी बेटा थैंक यू, ये एक्स की पावर जो हो गई -1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कितना, तो ये कितना आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 यानी √x। सही है बेटा, √x इक्वल्स टू कितना अल्फा टी, तो एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर अल्फा टी स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ से अगर dx बाई डी टी करें हम लोग, तो dx बाई डी टी क्या आएगा v, और v इक्वल्स टू कितना 2 अल्फा टी, और इसी को डिफ्रेंशिएट करें तो अल्फा एक्सेलरेशन कितना 2 अल्फा के बराबर। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि सेकेंड पार्ट कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कवर एस मीटर। ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है जब एस मीटर ट्रेवल करेगा, उस समय हमें क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हमें कितना s, टाइम टेकन t, अब हमें ये टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं दे रखा। ठीक है, तो हमने क्या दे रखा था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर आई थी 2 अल्फा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी u 0, ये कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करें तो क्या आएगा, एस इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से टी की वैल्यू किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन अल्फा, टी की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दो, एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू अल्फा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, ठीक है v एवरेज ये हमारा ये रहेगा, पहला s डिस्टेंस s अपॉन कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2 अल्फा t स्क्वायर। ठीक है, 2 अल्फा t स्क्वायर, ठीक है अल्फा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s, एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्स फर्स्ट s मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन हम बाकी एक काम करते हैं, आगे अब जो क्वेश्चन है बेटा वो आगे आप लोग को होमवर्क में मैं डीपीपी दे दूंगा। ठीक है, टाइम भी हो गया, तो कल अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले ग्राफ वाला मेथड, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है, ओके बेटा।